अस्सलाम वालेकुम। आज हम बायोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि पीएमसी ने इस साल अनाउंस कर दिया है कि आपके एमकैट के टेस्ट में आपका एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाएगा। दूसरा, तीन टेस्ट होंगे इस साल। और चौथी बात ये कि मार्च के मिड में या एंड में सिलेबस जो होगा पीएमसी अनाउंस कर देगी आपके एमकैट का सिलेबस। तो इस साल किताबों को कॉन्सेप्चुअल वे में पढ़ने की जरूरत है। और पीएमसी ने ये भी बात बिल्कुल वाजे कर दी है कि इस साल आपका सिलेबस एफएससी बेस्ड नहीं होगा। आपका सिलेबस आपकी कॉग्निटिव स्किल्स को टेस्ट करेगा, आपके एप्टीट्यूड को टेस्ट करेगा। तो सारी बातें छोड़कर एट द एंड ऑफ द डे आपके कॉन्सेप्ट्स टेस्ट किए जाएंगे। यानी पीएमसी एमकैट के स्टैंडर्ड को बेहतर करना चाह रही है। अगली बात करते हैं। मैं इस लेक्चर में पीएमसी के लास्ट सिलेबस से कुछ लर्निंग आउटकम्स लूंगा जो कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और जो मेजर टॉपिक्स हैं। हम उनको डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि अप्रैल से पहले पहले हम उन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक दफा अच्छी तरह समझ लें, पढ़ लें, डिस्कस कर लें। तो पहले जो हम चीज पढ़ने जा रहे हैं वो है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, या इनके साइलेंट फीचर्स आप कह लें। यहां स्क्रीन पे आपको दो सेल्स शो हो रहे हैं। दोनों की शेप भी डिफरेंट है, साइज भी डिफरेंट है, और उनके अंदर जो मौजूद स्ट्रक्चर्स हैं, जो ऑर्गेनेलीज हैं, वो भी डिफरेंट है। अगर देखा जाए तो इस सेल में यहाँ पे आपके पास एक इंक्लोज न्यूक्लियस शो हो रहा है। इसमें आपका जो न्यूक्लियस है वो साइटोप्लाज्म में ही सबमर्ज है। ये वाला सेल यूकैरियोटिक सेल है और ये वाला सेल आपका प्रोकैरियोटिक सेल है। कुछ साइलेंट फीचर्स देख लें इस सेल के। यहाँ पे फ्लैजेला नजर आ रहा है, यहाँ पे पिलाए नजर आ रहे हैं, ठीक है। और इसके देख लें, यहाँ पे आपको गोल्जी अपरेटस शो हो रहा है, स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शो हो रहे हैं। यहाँ पे स्मूथ, और जो इनके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शो कर रहे होते हैं। यहाँ पे आपको माइटोकॉन्ड्रिया शो हो रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हमेशा यूकैरियोटिक सेल्स में होंगे, वो कभी भी प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होंगे। ये चीज आपने याद रखनी है। ये तो थी बेसिक सी डिस्कशन। हम आगे इन सारी चीजों को डिटेल में पढ़ते हैं। हमने बेसिकली इन सेल्स का ओवरव्यू देखना है। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स की अगर हम बात करें तो मैं बात अपनी स्टार्ट करूंगा प्रोकैरियोटिक सेल्स से। फर्स्ट ऑफ ऑल होते क्या आएंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दैट लैक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स, द मोस्ट नॉट वर्दी ऑफ विच इज न्यूक्लियस। यहाँ पे न्यूक्लियस की बजाय आपके पास न्यूक्लियोइड होता है प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस होता है कि आपका न्यूक्लियर मटेरियल, जो आपका जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, उसको आपने मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली में इंक्लोज किया हुआ है यूकैरियोटिक के केस में, यूकैरियोटिक सेल्स के केस में। जबकि प्रोकैरियोट्स की केस में आपके पास न्यूक्लियोइड होता है जो कि आपका जेनेटिक मटेरियल होता है, साइटोप्लाज्म में सबमर्ज हुआ होता है। आपके न्यूक्लियर मटेरियल के दरमियान और साइटोप्लाज्म के दरमियान कोई भी सेपरेशन नहीं होती। यहाँ पे सेल का साइज लिखा हुआ है डायमीटर्स में, ये देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। यहां पे एक प्रोकैरियोटिक सेल है, यहां पे कुछ इसकी डिस्टिंक्टिव ऑर्गेनेलीज रिप्रेजेंट की गई हैं। जैसे यहां पे पिलाए शो किया है, यहां पे न्यूक्लियोइड शो किया है जिसके बारे में मैंने बताया था। और आप यहां देख सकते हैं देयर इज नो सेपरेशन बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियर मटीरियल, या आप इसको न्यूक्लियर मटीरियल तो नहीं कहेंगे, आप इसको जेनेटिक मटीरियल बोल रहे हैं। डीएनए में और साइटोप्लाज्म में किसी भी किस्म की सेपरेशन नहीं है, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं है।
यहाँ पे कुछ एडिशनल स्ट्रक्चर्स हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, आपके बैक्टीरियल सेल्स होते हैं। कैप्स्यूल होगा यहाँ पे, फ्लैजेलम होगा, फ्लैजेलम मोटिलिटी में हेल्प करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कॉम्पोजिशन डिफरेंट होगी, राइबोसोम्स भी डिफरेंट होंगे थोड़े से, सेल वॉल उसकी कॉम्पोजिशन डिफरेंट होगी, पेप्टिडोग्लाइकन होगा यहाँ पे। कैप्सूल हर प्रोकैरियोट में नहीं होगी, कुछ में होगी। ये फ्लैजेला जिसका मैं आपको बता चुका हूँ, एक तो इसका केस था मोटिलिटी का, दूसरा इसका कीमो डिटेक्शन का, अगर कोई केमिकल आएगा तो फ्लैजेला उसको डिटेक्ट कर सकता है। एक तो मोटिलिटी आ गया इसका फंक्शन, दूसरा इसका फंक्शन है डिटेक्शन, अगर सेल के इन्वायरमेंट में कोई केमिकल है उसको ये डिटेक्ट कर लेगा। जरूरी नहीं कि ये सिर्फ केमिकल की डिटेक्शन करे, हो सकता है फूड के पास भी जाना चाहे इसी से। अब यहां पे मैंने कुछ फीचर्स लिखे हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, इनको आप देख सकते हैं। न्यूक्लियोइड क्या होता है, एक सेंट्रल रीजन होता है सेल का, जिस तरह हम पिछली स्क्रीन में देख चुके हैं। यहां पे इसका सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स की केस में सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होगा। राइबोसोम्स की बात करें तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में भी होते हैं। सेल वॉल की बात करें तो यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकन्स प्रेजेंट होंगे। सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो कॉम्पोजिशन वेरी करेगी, यूकैरियोटिक सेल्स है डिफरेंस आएगा थोड़ा सा। कैप्स्यूल्स की बात करें तो एडिशनल लेयर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कह सकते हैं अराउंड द सेल वॉल, और ये बैक्टीरिया को डिफरेंट सर्फेसिस के साथ अटैच करने में हेल्प करेगी। फिम्ब्री की अगर हम बात करें सेम हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि सेलुलर अटैचमेंट में हेल्प करेंगे। अगर हम पिलाए की बात करें तो ये कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं। आगे अगली स्लाइड पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता चुका हूं इस बारे में कि क्या प्रोकैरियोट्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, क्या प्रोकैरियोट्स के पास माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो सिंपल सा आंसर है नो, इनके पास नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होती हैं। एक थ्योरी हमें यह भी बताती है कि असल में माइटोकॉन्ड्रिया एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स थे, उन्होंने एक सिंपल सेल के साथ सिंबायोटिक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, सिंबायोसिस के थ्रू, म्यूचुअलिज्म के थ्रू एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर दिया। तो अगर हम इस थ्योरी का प्रूफ देखना चाहें तो हमें पता है कि आज भी माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए प्रेजेंट है और सेल्फ डिवीजन ये डिवाइड कर सकते हैं, फर्दर इनके पास अपना डीएनए है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। आगे चलते हैं स्लाइड नंबर 7 पे, यूकैरियोट्स की बात की जाए। अब यूकैरियोट्स क्या होते हैं, लेट्स सी। यूकैरियोट्स आर द ऑर्गेनिजम्स हू सेल्स हैव अ न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेल्स इनक्लोज्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जरूरी नहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनक्लोज करें, सेल वॉल भी कर सकती है जो कि प्लांट्स के केस में होती है या फंजाई के केस में भी हो सकती है या एनिमल या प्लांट लाइक प्रोटिस्ट के केस में भी हो सकती है। ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वेराइटी ऑफ फंक्शंस सच एज एनर्जी प्रोडक्शन इन केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, एंड प्रोटीन सिंथेसिस इन केस ऑफ राइबोसोम्स। मैंने आपको बताया था कि ये ओवरव्यू है आज का लेक्चर। आज का लेक्चर पूरी सेल बायोलॉजी का एक बेसिक और सिंपल सा ओवरव्यू होगा। यहां पे यूकैरियोटिक सेल का एक स्ट्रक्चर, एक डायग्राम शो की जा रही है आपको। यहां पे एक
डेफिनाइट न्यूक्लियस जो कि मेम्ब्रेन इंक्लोज्ड है वो प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के अंदर आपके पास डार्कली सस्टेन्ड स्ट्रक्चर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, यहाँ आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, यहाँ पे आप राइबोसोम्स को देख रहे हैं। खैर राइबोसोम्स सेल के अंदर होंगे, इनको आप सपोज कर लें राइबोसोम्स, ये इनको आप लाइसोसोम्स देख लें, या आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है सेल की, इसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसीडर कर लें। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या आपके पास गोल्जी अपरेटस। अब साइटोसोल है यहाँ पे, साइटोसोल क्या होता है, जहां पे सारी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं सेल की, इसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब हम यहां पे हम कुछ यूकैरियोटिक सेल के फीचर्स पढ़ेंगे। हर एक यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर का एक अपना स्पेसिफिक फीचर है। फॉर इंस्टेंस अगर हम न्यूक्लियस की बात करते हैं, स्टोर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है, क्रोमेटिन मटेरियल सेल की, क्रोमेटिन मटेरियल जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा, यानी क्रोमोसोम की एक फॉर्म। न्यूक्लियोलस की बात करें, न्यूक्लियोलस की सॉरी, तो न्यूक्लियस के अंदर जो डार्कली सस्टेन्ड रीजन है जहां पे राइबोसोमल आरएनए प्रोड्यूस होते हैं वो न्यूक्लियोलस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग है, इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ना है, एनिमल सेल के केस में, और प्लांट सेल के केस में आउटर कवरिंग होती है सेल वॉल। साइटोस्केलेटन और सेल वॉल की अगर हम बात करें, साइटोस्केलेटन जो सारी ऑर्गेनेलीज को आप कह सकते हैं किस्म की सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सेल वॉल सेल शेप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। राइबोसोम्स की अगर हम बात करें, प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोडक्शन, साइटोप्लाज्म ये मीडियम प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट रिएक्शंस के लिए और ऑर्गेनेलीज के लिए। बायोकेमिकल रिएक्शन सारे साइटोप्लाज्म में हो रहे हैं, एंजाइम सारे साइटोप्लाज्म में एक्टिव हो रहे हैं, क्योंकि एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है इसके लिए आपको एक्वस मीडियम की जरूरत होती है, तो ये सारी एक्वस मीडियम में परफॉर्म होती है। साइटोसोल जेल लाइक सब्सटेंस जो कि सेल के अंदर होता है, जिसके अंदर ऑर्गेनेलीज होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस सॉरी प्रोटीन मैच्योरेशन और ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होता है, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं। अब साइटोप्लाज्म में और साइटोसोल में क्या डिफरेंस है, साइटोप्लाज्म क्या है जी, रीजन बिटवीन द सेल एंड द न्यूक्लियर एनवलप, सेल और न्यूक्लियर एनवलप के दरमियान वाला रीजन, ये सारा साइटोप्लाज्म है। जबकि साइटोसोल क्या है, ये विद इन द सेल जितना मटेरियल है, जितना जेल लाइक सब्सटेंस है, ये सारा साइटोसोल है। वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स की अगर हम बात करें तो डिफरेंट होते हैं, कुछ ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होते हैं। वैक्यूल्स एनिमल सेल्स में छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं और ज्यादा अमाउंट में होते हैं, जबकि प्लांट्स में एक बहुत ही बड़ा वैक्यूल होता है, एक ही होता है सेल में और पेरिफेरी लोकेशन पर होता है। आगे चलते हैं। अब यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में कुछ सेम चीजें हैं, जैसे डीएनए दोनों के पास होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों के पास होगी, कॉम्पोजिशन वेरी कर सकती है। साइटोप्लाज्म दोनों के पास सेम होगा, इसकी भी कॉम्पोजिशन वेरी कर सकती है। राइबोसोम भी दोनों के पास होंगे, कॉम्पोजिशन वेरी कर सकती है। जाहिर है यूकैरियोट्स में जो राइबोसोम्स चाहिए होते हैं वो ज्यादा चाहिए होते हैं, क्योंकि ज्यादा वर्क परफॉर्म होना होता है। अमाउंट वेरी कर सकती है, इनकी रेशियो वेरी कर सकती है, इनकी ऑर्गेनेली टू साइटोप्लाज्म रेशियो वेरी कर सकती। अगर हम
ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को देखें प्रोकैरियोट्स में, तो ये दोनों चीजें प्रोकैरियोट्स के केस में साइटोप्लाज्म में हो रही होती, जबकि यूकैरियोट्स के केस में आप कह लें कि ट्रांसक्रिप्शन जो होती है वो न्यूक्लियस में होती है, जिसकी वजह से मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस हो रहा होता है, बाद में मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से बाहर जाता है, और ट्रांसलेशन जो होती है वो फिर सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पे पूरे लेक्चर का आप कह सकते हैं एक समराइज वर्जन। अब पहली बात स्टार्ट होती है न्यूक्लियस, ये बात हो रही है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स की। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, सीधी सी बात है, इनके पास न्यूक्लियोइड होता है। यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होगा हमेशा, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होंगी, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होंगी। सेल स्ट्रक्चर अगर देखा जाए प्रोकैरियोट्स हमेशा यूनिसेलुलर होंगे, यूकैरियोट्स मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। सेल साइज देखा जाए तो प्रोकैरियोट्स का सेल साइज स्मॉल है, जबकि यूकैरियोट्स का लार्ज है। कॉम्प्लेक्सिटी देखी जाए तो प्रोकैरियोट्स सिंपल है और यूकैरियोट्स कॉम्प्लेक्स है। डीएनए की अगर हम फॉर्म को देखें, डीएनए के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, तो प्रोकैरियोट्स में सर्कुलर डीएनए होता है, जैसे बैक्टीरिया की केस में हमारे पास प्लाज्मिड होते हैं। अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो हमारे पास लीनियर डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, लीनियर डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होगा हमारे पास डीएनए का हेलिकल फॉर्म में, जिसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। एग्जांपल्स की बात करें तो बहुत सिंपल सी एग्जांपल्स है। प्रोकैरियोट्स में आपके पास बैक्टीरिया आ गया, यू बैक्टीरिया, आर्चो बैक्टीरिया जो एंशियंट बैक्टीरिया उसको कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गा जो बैक्टीरिया की फॉर्म। यूकैरियोट्स के केस में आपके पास एनिमल्स आ जाते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं, फंजाई आ जाता है, प्रोटिस्ट आ जाता है, ये सारे यूकैरियोटिक सेल्स। खैर, ये हमारा लेक्चर था जिसमें हमने डिटेल में कुछ बातों को डिस्कस किया। हमने स्टार्टिंग में लेक्चर के न्यू एमकैट के पैटर्न पर बात की, जो कि 2021 में एक्सपेक्टेड है, यानी तीन आपके एमकैट के एग्जाम्स हो सकते हैं, एमडी कैट के एग्जाम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपने अपने जहन में याद रखनी है। सेकेंडली, आपने चीजों को कॉन्सेप्चुअली देखना, अब आपकी मेमोरी टेस्ट नहीं की जाएगी, आपकी स्किल्स, आपका एप्टीट्यूड देखा जाएगा कि आप टेस्ट को हैंडल करने की सलाहियत रखते हैं या नहीं रखते। अगर आप किसी भी किस्म का सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको किसी भी किस्म की कंफ्यूजन हो तो आप उसके बारे में मेरे से पूछ सकते हैं। लेक्चर का इख्तिताम करते हैं, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।